गाइस, दिस इज मामना बाटला, ये टैरो कार्ड रीडर फ्रॉम वेल टैरो टू एस्ट्रोलॉजी। और सबसे पहले तो थैंक यू, आपने इतना सारा प्यार मुझे दिया, अपने कमेंट्स के थ्रू मुझे बताते रहे, ठीक है, कि आपको जो भी मेरे वीडियो कैसे आपके साथ रेजोनेट करती है, अपने लाइक्स के थ्रू मुझे बताते रहे आप क्या चाहते हैं कि मैं अपनी अगली वीडियो किस टॉपिक के ऊपर बताऊं, तो आप वो मुझे कमेंट्स के जरिए बता सकते हैं। और ये भी एक बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो थी, दैट विल योर एक्स कम बैक इनटू योर लाइफ, और क्या सोचते हैं आपके एक्स आपके बारे में, या क्या आप सोचते हैं अपने एक्स के बारे में, या क्या सोचती है आपकी एक्स आपके बारे में, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको आज के इस वीडियो के अंदर जानने को मिलेगी। उससे पहले टाइम स्टैम्प मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, जो कि अगेन रिक्वेस्टेड था, और साथ में मेरे वीडियोज़ के आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, मुझे बाकी सोशल साइट्स पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, जिनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी डाल दिए हैं, यू कैन चेक इट आउट देयर। एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट दैट हाउ यू फाइंड दिस वीडियो एंड व्हाट वुड बी माय नेक्स्ट टॉपिक ऑफ कोर्स। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मेरे पास हैं 3 क्रिस्टल्स, द वेरी फर्स्ट वन इज एमेथीस्ट, यू कैन ऑल्सो सी इट ऑन द स्क्रीन, सेकेंड वन इज अ कैट आई एंड द थर्ड वन इज अ रोज क्वार्ट्ज। तो आप जिस भी क्रिस्टल के तरफ आप बहुत ज़्यादा रेजोनेट फील करें, यू कैन सिलेक्ट दैट क्रिस्टल एंड यू कैन चेक आउट इट्स पाइल। सो स्टार्ट करते हैं आप रीडिंग, स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 की रीडिंग, विच इज़ विद द एमेथीस्ट ब्रेसलेट। तब तक आई कीप दीज ब्रेसलेट्स असाइड। और यहाँ पर मेरे पास हैं 3 डेक, जिसमें हम मास्टर कार्ड भी चेक करेंगे, ठीक है, और एंजल्स गाइडेंस भी लेंगे, और साथ में हमारा ओशो सेन डेक भी होगा। ओके, सो आई चेक इट आउट फॉर यू। तो जिन्होंने भी एमेथीस्ट ब्रेसलेट चूज करा था, लेट मी चेक। यू कैन ऑल्सो लर्न टैरो कार्ड्स फ्रॉम मी एंड यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द गिवन नंबर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल। एंड 1 आर मैसेज कार्ड। ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड है वो है हाई प्रीस्टेस। सेकेंड कार्ड आया है अगेन 8 ऑफ पेंटिकल्स, वेयर अमेजिंग 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, अ कार्ड ऑफ ब्रेकअप ओनली, कॉम्प्रोमाइज, अ सेलिब्रेशन एंड ऑफ कोर्स 1 एंजल मैसेज कार्ड। ओके, तो यहाँ अगर हम कार्ड्स की तरफ देखें, तो यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड है इज द कार्ड ऑफ अ हाई प्रीस्टेस, विच इज फ्रॉम योर साइड एंड फ्रॉम ये एक्स साइड जो मैंने कार्ड एक तरीके से चूज करा था, इट इज 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर ये दोनों कार्ड शो कर रहे हैं कि आपकी तरफ से एक हिडन फीलिंग्स, यानी आपने शायद अपने आप को प्रॉपर वे से एक्सप्रेस नहीं करा था। जो ब्रेकअप का ये रीज़न यहाँ पर बनाया, तो वहाँ पर यही है कि आपने शायद अपने इमोशंस को अंदर दबा कर रखा है, यू आर नॉट फुल्ली एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, जो कहीं ना कहीं एक रीज़न बना इस ब्रेकअप का, ठीक है, कुछ हिडन रहा है, कुछ मिस्ट्रीज रही हैं, ठीक है, आपकी तरफ से, कि आपने जो उनको चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करी या फिर आप उन्हें समझा नहीं पाए हैं, और उनकी तरफ से शायद उन्होंने अपनी तरफ से, देखो हाउ हार्ड वर्किंग दिस कार्ड, शायद उन्होंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश करी कि आपको खुश रख सके, आपका साथ दे सके, उन्होंने वो जितने एक्सप्रेसिव थे आप उतने हिडन थे। यहाँ पर मुझे ये कार्ड ये बताया कि वो काफ़ी एक्सप्रेसिव थे, आपको काफ़ी हद तक उन्होंने अपनी फीलिंग्स के बारे में बताया था, समझाया था कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, और शायद उनकी वो एक्सपेक्टेशंस कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में फुलफिल नहीं हो पाई, जिसका बिगेस्ट रीज़न था कॉम्प्रोमाइज़। क्योंकि यहाँ पर अगर देखोगे तो कार्ड आया है कॉम्प्रोमाइज़ का, जो कि इस रिलेशनशिप के अंदर करा गया, ठीक है, यानी आप दोनों ने कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए आप दोनों साथ में थे, क्योंकि वो आपको समझा नहीं पाए, आप वैसे समझ नहीं पाए, आपने वैसे अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाए, जो कि इस रिलेशनशिप के ब्रेकेज का रीज़न रहा है, और कहीं ना कहीं उन्होंने इस कॉम्प्रोमाइज़ से अब बाहर निकल चुके हैं, ठीक है। और अगर मैं इस टाइम पर उनकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करूं, तो ये जो पेंटिकल्स के कार्ड थे वो मुझे ये शो करे कि शायद वो इस टाइम पर इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हैं, ठीक है, अपने आप को इतना ज़्यादा उन्होंने या तो काम में या फिर अपने फ्रेंड्स में भी, क्योंकि ये कार्ड्स फ्रेंड्स से रिलेटेड भी है, अपने आप को इतना डाइवर्ट कर दिया, इतना प्रैक्टिकल कर दिया कि इवन अगर आप उन्हें मैसेज कर रहे हैं या फिर अगर आप उनसे बात करने की भी कोशिश कर रहे हैं ना, तो ही इज़ नॉट एबल टू रिप्लाई, वो रिप्लाई ही नहीं करना चाहते, वो इन चीज़ों से वो अपने आप माइंड में चीज़
चीज माइंडसेट अपना ऐसे कहूँ कि बनाकर बैठ चुके हैं कि ही डजंट वांट टू बी एंटर इनटू अ रिलेशन. वो अपने आप को इतना प्रोटेक्टिव बनाकर बैठ चुकी हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं अब वो वापस सोच रहे हैं, क्योंकि ये कन्फ्यूजन उसकी सिर्फ आप ही क्लियर कर सकते हैं. और वो वापस सिर्फ यही चीज़ सोच रहे हैं कि अगर मैं वापस इस रिलेशन के अंदर आया तो मैं वापस वो सारी चीज़ें फेस नहीं करना चाहता, क्योंकि यहाँ पर ये सारे कार्ड्स कहीं ना कहीं बता रहे हैं. और यहाँ पर अगर मैं एंजेलिक मैसेज का कार्ड भी देखूँ तो यहाँ पर भी आया है रिकंसिडर. तो अगर आप ये जानना चाहते हो कि वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे या नहीं, तो मैं पहले तो ये कहूँगी कि आपको इनिशिएट, ये कार्ड्स मुझे कह रहे हैं कि आपको इनिशिएट करना पड़ेगा. तो टॉक टू हिम, उनसे बात करने के लिए आपको इनिशिएट करना पड़ेगा. वो अपनी तरफ से इनिशिएट नहीं करेंगे. एंड ट्राई टू रिकंसिडर द सिचुएशन. इन चीज़ों को, इन पॉइंट्स जो स्पेसिफिकली मैंने एक्सप्लेन करे हैं, इन चीज़ों को जस्ट चेक इट आउट. और अगर ऐसा है सिचुएशन आपके साथ ये रेजोनेट कर रही है, तो रिकंसिडर करो इन सिचुएशंस को. एंड यू हैव टू टॉक टू हिम. डेफिनेटली वो आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे, ठीक है. सो कहीं ना कहीं उनकी ये कन्फ्यूजन्स, उनकी ये जो मिस्ट्रीज थी, जो भी ये कन्फ्यूजन्स थी, क्योंकि ये पहला कार्ड ही मिस्ट्रीज को शो कर रहा है, उन कन्फ्यूजन्स को दूर करने की कोशिश करें अगर आपको इस रिलेशनशिप को वापस सही करना है. तो पाइल नंबर टू की तरफ, यानी कि कैट आइज स्टोन, यानी जिन्होंने भी ये ब्रेसलेट चूज़ करा था, तो लेट अस सी कि क्या रिलेशन रहा है आपका आपके एक्स के साथ. तो अभी रैंडमली सिलेक्टिंग cards. And one angelic guidance. तो आपके लिए जो सबसे पहला कार्ड आया है टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी कहीं ना कहीं अभी भी आप स्ट्रेस्ड आउट मुझे लग रहे हो अपने उस ब्रेकअप से, ठीक है. और आपका जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं उन चीज़ों से ऊपर उठ चुकी हैं फिलहाल. शावर ऑफ द ब्लेसिंग, यानी जो आपका रिलेशन था वो काफ़ी इमोशनल था. इमोशनल कनेक्शंस मुझे वहाँ पर नज़र आ रहे हैं. प्रॉपर मास्टर्स कार्ड, अमेजिंग. एंड मोरालिटी, एंजेलिक गाइडेंस, मेडिटेशन. ओके सो अगर हम स्टार्ट करें यहाँ पर आप लोगों के लिए रीडिंग, तो जिन्होंने भी पाइल नंबर टू सिलेक्ट करा तो यहाँ पर मुझे ये चीज़ें दिख रही हैं कि जो ये एक तरीके से ब्रेकअप हुआ था ना आप दोनों का, तो उसका कहीं ना कहीं रीज़न जो था ना वो मोरालिटी था. यानी कहीं ना कहीं डिसरिस्पेक्ट था, कहीं ना कहीं एक एंगर इश्यूज थे आप दोनों के बीच में, ठीक है. आप उन्हें नहीं समझ पा रहे थे, वो आपको नहीं समझ पा रहे थे. एक अंडरस्टैंडिंग, एक कंपैटिबिलिटी जो आप दोनों के बीच में होनी चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं मिसिंग थी, ठीक है. और ये जो सर्कल था ये रिपीट होता जा रहा था, क्योंकि ये सेकेंड कार्ड भी उस रिपीटेशन को ज़्यादा शो कर रहा है कि ये चीज़ें आपके साथ रिपीट होती जा रही थी, रिपीट होती जा रही थी, अगेन एंड अगेन. एक बार उस पर्सन ने करा, फिर उसने माफ़ी मांगी, फिर उसने करा, फिर उसने माफ़ी मांगी, और इस तरीके की सिचुएशन, इस तरीके का एक पैटर्न जो है ना वो चलता रहा, ठीक है. जो कि एक बिगेस्ट रीज़न बना इस पूरे ब्रेकअप का, इस पूरे रिलेशनशिप का, यानी डिसरिस्पेक्ट, एंगर, बीइंग वॉयलेंट या बीइंग यूजिंग अब्यूसिव थिंग्स, अब्यूसिव लैंग्वेज. तो कहीं ना कहीं इस रिलेशन के अंदर मुझे ये सारी चीज़ें, ये एक रीज़न नज़र आ रहा है. और अगर मैं अभी प्रेजेंट सिचुएशन देखूँ तो आप ऐसे सिचुएशन में यू नॉट इवन एबल टू स्लीप. आप इतने ज़्यादा डिप्रेस्ड या सैड हो चुके हो उसको छोड़ने से, क्योंकि एक इमोशनल कनेक्शन यहाँ पर बना हुआ था. ये कार्ड एक इमोशनल कनेक्शन यहाँ पर शो कर रहा है, यानी आप दोनों का एक बॉन्ड था, ठीक है. आप दोनों का जो एक बॉन्ड था, जो मतलब फुल डीपली लव जो आप दोनों का था ना कहीं वो टूटने से, ठीक है, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा. और अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूँ तो उन्हें वो फिर उन चीज़ों से इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हैं, ठीक है. ही वॉज ऑल्सो हर्टेड, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो कार्ड है ना वो मुझे ये शो कर रहा है कि वो इस टाइम पर बहुत प्रैक्टिकल हो चुके हैं, ठीक है. उन्होंने अपने आप को इतना प्रोटेक्टिव होकर रखा हुआ है कि वो आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं, या फिर वो अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली या फिर अपने वर्क की तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट हैं. एंड आई कुड ऑल्सो सेंस देयर कुड बी सम थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस ऑल्सो. शायद कुछ ऐसा हो सकता है, उसके किसी फ्रेंड के चांसेस भी बन सकते हैं या कुछ, क्योंकि मुझे इस तरीके की इंट्यूशंस भी इन कार्ड्स के थ्रू आ रहे हैं, ठीक है. दैट थर्ड पार्टी कुड बी हिज फ्रेंड, कुड बी हिज मे बी हिज फैमिली मेम्बर ऑल्सो सम हाउ. जो गलत फहमी जहाँ पर ये क्रिएट हुई है आप दोनों के बीच में भी, क्योंकि एक रीज़न ये गलत फहमी भी आपके रिलेशन का हो सकता है.
एंड इफ आई टेल यू अबाउट दिस सिचुएशन के उनके वापस आने के जो चांसेस हैं, तो वहां पर मैं ये कहूंगी कि यहाँ पर जो एंजेलिक गाइडेंस है वो मुझे ये बता रहा है दैट मेडिटेशन विल ब्रिंग आंसर फॉर यू, यानी मेडिटेशन आपके लिए आंसर रहेगा, ठीक है। आपको मेडिटेशन ही है जो आपको स्ट्रेस से निकालेगा, आपकी इनर इंट्यूशन, आपको जो आपकी इनर गाइडेंस आपको कह रही है ना दैट येस यू शुड कॉल हिम या यू शुड टॉक टू हिम, देन गो अहेड। लेकिन अगर आपको आपकी इंट्यूशन मना कर रही है कि नहीं शायद ये रिलेशन बिल्कुल ओवर हो चुका है, देन जस्ट मूव ऑन, आपके लिए आगे भी बहुत अच्छी चीज़ें हैं, तो मूव ऑन कर जाओ, ठीक है। तो गो विद योर इंट्यूशन, जो आपकी सेल्फ इंट्यूशन आपको कह रही हैं, ठीक है, उनकी तरफ ज़्यादा मूव करो, उनकी तरफ ध्यान देने की कोशिश करो, मेडिटेशन में जाओ, अपने स्ट्रेस को रिलीज करो, लिसन टू गुड म्यूजिक, ठीक है, डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, एंड वॉक, गो आउट विद योर फ्रेंड्स, वॉच मूवी, लिसन गुड सॉन्ग्स, रीड पॉजिटिव अफर्मेशंस, दिस कुड बी द बेस्ट थेरेपी फॉर यू यू कैन टेक राइट नाउ टू कम आउट ऑफ दिस डिप्रेशन, ओके। सो द चांसेस हेयर आई विल से इज मे बी फॉर हिम टू कम बैक, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर शुरुआत करनी पड़ेगी इफ इज फ्रॉम योर साइड, यानी आपको कहीं ना कहीं उनसे बात करनी पड़ेगी तब जाकर, अगर आप उनकी तरफ से रिप्लाई आने का वेट कर रहे हैं तो डोंट वेट इट, ओके। सो आई थिंक दिस वीडियो रियली रेजोनेट्स विद इट, इफ इट्स डू रेजोनेट विद इट डू लाइक इट, थैंक यू। नाउ कमिंग टू द पाइल नंबर 3, रोज क्वार्ट्ज ब्रेसलेट। तो यहाँ पर आई विल बी पिकिंग द कार्ड फॉर यू एंड विल चेक आउट that what are the chances. Let us see from another deck. If you want to learn tarot cards, or either if you want to join me in the live reading, just go to the links in the description box. You can join my social sites as well. Okay, I think I need this one as well. Okay, so for the people who have selected rose quartz crystal, so for them, let us count the card. Okay, Wands, Anger Energy, okay, Wheel of Fortunes, and the third is the Moon. Possibilities, okay, Trust. मैसेज कार्ड, लुक फॉर अ साइन, ओके। सो अगर मैं इस पूरे सिचुएशन को देखूँ ना, आपके पूरे रिलेशन को देखूँ, तो यहाँ पर जो मुझे मेन प्रॉब्लम नज़र आ रही है इज ऑफ ट्रस्ट। देखो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो एक कमी थी ना, वो उस ट्रस्ट की थी, जो आपको चाहिए था कि आप इस रिलेशन के अंदर करो। अब वो ट्रस्ट आपकी साइड से, आपके पार्टनर की साइड से, दोनों की साइड से है, ठीक है। आप दोनों ने शायद एक दूसरे पर भरोसे से ज़्यादा एक दूसरे पर शक था, एक दूसरे पर डाउट था, दैट मे बी देर इज सम थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस, ठीक है, जो कि अब मुझे ज़रूर नज़र आ रहा है लेकिन पहले नहीं था, ठीक है। एंड कोई ना कोई, या फिर मैं ये चीज़ कहूँगी कि ये थर्ड पार्टी, क्योंकि मून जो है ना कार्ड, कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस भी शो करता है, ठीक है। मे बी कोई ऐसा पर्सन था उनकी लाइफ में, ठीक है, जिसके ऊपर आपको डाउट था, जहाँ पर ट्रस्ट का इशू था, क्योंकि दोनों ही कार्ड, मून का कार्ड, ट्रस्ट का कार्ड एक साथ आया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में जो मुझे कमी नज़र आ रही है ना, वो ट्रस्ट की थी, ठीक है। लेकिन वो जो थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस था, जिस वे से शायद आप सोच रहे थे, वैसा शायद नहीं था। एंगर की एनर्जी, क्योंकि सबसे पहला ही कार्ड मुझे यहाँ पर एंगर की एनर्जी, गुस्सा, आपके जो रिलेशन था ट्रस्ट की वजह से, जब एक मिस कंपैटिबिलिटी नहीं बैठती थी, अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठती थी, जब भी बातचीत होती थी तो झगड़े होते थे, प्रॉब्लम्स होते थे, ठीक है। वो पर्सन अपने आप को डिफेंड करने के लिए इज ऑलवेज रेडी, एंड यू टू, आप भी अपनी तरफ से उनको अपनी बात कहने के लिए या फिर अपने डाउट्स कहने के लिए रेडी, एंड दैट पर्सन इज रेडी टू डिफेंड हिमसेल्फ। तो कहीं ना कहीं ये एक तरीके से एंगर की एनर्जी यहाँ पर मुझे शो कर रहा है। रिलेशन जबकि अच्छा था, आपके जो डाउट्स थे, कहीं ना कहीं मैं आपको ये भी बताऊं, आर सम हाउ नॉट ट्रू, क्योंकि वो ट्रू नहीं थे आपके डाउट्स, ठीक है, जिन डाउट्स के रीज़न की वजह से आपने ये ब्रेकअप करा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं इसका बिग रीज़न जो नज़र आया है वो आप ही हो, ठीक है, कि आपकी तरफ से शायद कहीं ना कहीं इन चीज़ों का इनिशिएट रहा है, ठीक है। और ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून है ना, ये एक तरीके से उस टाइम को चेंज कर दिया, जो एक लव की सिचुएशन थी, जो एक पॉसिबिलिटीज़ की सिचुएशन थी, क्योंकि ये कार्ड एक पॉसिबिलिटीज़ का भी है, जो एक पॉसिबिलिटीज़ की सिचुएशन थी कि शायद ये रिलेशन और आगे तक चला जाता, शायद ये रिलेशन और आगे जाकर एक बेटर फ्यूचर बन सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं उस एक थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस, अब ये इंटरफेरेंस कोई फैमिली मेम्बर, कोई उनका फ्रेंड, या फिर कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, ठीक है, जिसके ऊपर
जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, जिसकी वजह से ये पूरा एक ब्रेकअप क्रिएट हुआ, या फिर जिसकी वजह से ये पूरा रिलेशन जो है वो ब्रेक हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे वो चांसेस ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। लेकिन मैं फिर भी आपको यही कहूँगी, क्योंकि यहाँ पर कार्ड आया है, जो एंजल एक मैसेज आया है, इज लुक फॉर अ साइन, यानी अगर चांसेस होंगे तो वो पर्सन आपको खुद कॉन्टैक्ट करेगा, तो डेफिनेटली गो विद द रिप्लाई, आप रिप्लाई की तरफ जा सकते हो, आप उनसे बात कर सकते हो। मे बी सिचुएशन में अभी भी चांसेस है कि इम्प्रूवमेंट हो, ये पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड हमें वो इम्प्रूवमेंट शो कर रहा है जो कि इस रिलेशनशिप के अंदर आ सकती है। सो जस्ट लुक फॉर अ साइन, अगर आपको दिखता है, ठीक है, कि येस आई शुड गो विद इट, ठीक है, उनकी तरफ से कोई आपको मैसेज आता है, क्योंकि इनिशिएट मुझे यहाँ पर इस कार्ड के थ्रू उनकी तरफ से नज़र आ रहा है, तो अगर उनकी तरफ से कोई भी इनिशिएट होता है तो अपनी उन गलत फहमियों को दूर करें एंड आगे एक बेटर फ्यूचर की तरफ आप मूव कर सकते हैं। अगर मैं इस प्रेजेंट सिचुएशन में आपके पार्टनर की तरफ से बताऊँ तो मुझे अभी भी वो कहीं ना कहीं थोड़े डिप्रेस, थोड़े सैड नज़र आ रहे हैं। इफ़ यू लुक इवन एट दिस कार्ड, तो कहीं ना कहीं वो इस रिलेशनशिप से जितना हर्ट आप हुए हो उतना ही हर्ट वो भी हुए हैं, ठीक है, और देयर कुड ब्रिंग अ चेंज, क्योंकि यहाँ पर दो कार्ड, एक व्हील ऑफ फॉर्चून, ये जो पॉसिबिलिटीज के दो कार्ड आए हैं, कहीं ना कहीं ये एक आपकी लाइफ में एक अच्छे चेंजेस को डिपिक्ट करते हैं, यानी जो भी अब चेंजेस आएगा जस्ट एक्सेप्ट इट, गो विद द साइंस, वट एवर साइंस यू आर गेटिंग, ठीक है, उनकी तरफ से, ठीक है, किसी की बातों में आपको वो साइंस नज़र आ सकते हैं, या फिर उनकी तरफ से कोई आपको मैसेज या कोई रिप्लाई आ सकता है, तो जस्ट गो विद दो साइंस एंड डू एज दो साइंस आर सेइंग टू यू। डू हिट द लाइक बटन इफ दिस वीडियो रेजोनेट्स विद यू, एंड डू फॉलो अस ऑन ऑल द सोशल साइट्स, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।